अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जेलो प्रॉपर्टी एडवाइज़र में खुश आमदीद, मैं हूँ बिलावर रहमान और आज हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज मैं आप लोगों के लिए घर लेके आया हूँ जो कि 5 मरले का डबल स्टोरी घर है। सबसे पहले तो मैं इसकी आपको लोकेशन के लिए करता चलूँ तो ये करीमपुर में आता है जो कि रफ़ी पब्लिक स्कूल के बिल्कुल बैक साइड पर है। सीवरेज इधर मौजूद है इस गली में, जैसे आप ये देख सकते हैं सीवरेज यहाँ पर मौजूद है और गली भी 16 फुट है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। 16 फुट गली है इस घर की और बहुत ही मुनासिब रेट पर ये घर आया। डबल स्टोरी बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन हुई है, जो ओनर है ओनर की सुपरविजन में ये घर बनाया गया है। तो चलिए मैं आपको घर का एक मुकम्मल व्यू करवाता हूँ। इसकी जो डिटेल है और प्राइस है वो मैं इंशाल्लाह वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा। तो घर के फ्रंट व्यू की तरफ चलते हैं। तो घर के फ्रंट व्यू की तरफ जाने से पहले मेरी सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबाएँ। जो मेरे चैनल पर नहीं है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चले घर के फ्रंट व्यू की तरफ चलते हैं और इसका आपको मुकम्मल व्यू करवाते हैं। तो ये आप गली देख सकते हैं, 16 फुट गली है जो कि करीमपुरा मेन रोड से ये गली इस तरफ आती है। तो इस गली से 16 फुट ये गली है जो कि घर की तरफ जाती है, सिविल यहाँ पे मौजूद है। तो चले मैं आपको घर का मुकम्मल व्यू करवाता हूँ। इसका जो डिटेल्स है वो मैं इंशाल्लाह वीडियो में आपको बता दूँ। तो वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। एक अच्छी ऑप्शन है और बहुत ही अच्छा घर लेके आया हूँ मैं। अच्छी इसकी कंस्ट्रक्शन हुई है, कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी हुई है और मुकम्मल टायर मार्बल का काम हुआ है। तो इंशाल्लाह आपको ये घर पसंद आएगा। तो वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा, तो कम्प्लीट वीडियो में मेरे साथ रहे। तो चलिए आपको घर का व्यू करवाता हूँ। तो ये घर का फ्रंट व्यू है। फ्रंट इसका काफ़ी बड़ा फ्रंट है और आप देख सकते हैं और फ्रंट की लुक काफ़ी अच्छी है इसकी। सामने देखिए विंडो है जो कि वेंटिलेशन के लिए और मेन इंट्रेंस ये है। और गली में ये देखें सीवरेज मौजूद है, 16 फुट गली है और सीवरेज यहाँ पे मौजूद है और रोड के भी बिल्कुल नज़दीक है। जो करीमपुर रफ़ी पब्लिक स्कूल है उसकी बिल्कुल बैक साइड पर यह घर आता है। तो चलिए मैं आपको अंदर से एक व्यू करवाता हूँ इसकी, तो मुकम्मल डिटेल के साथ बता दूँगा। मैं देखिए नीचे मार्बल नहीं होगा, ग्रे मार्बल है और ये इसका कार्टून है। कार्टून देखिए तो स्लिम डिज़ाइन है और तमाम एक्सेसरीज यहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं, वो साथ भी मिलेंगे। और यहाँ पे देखें आप बड़े साइज़ की जो गाड़ी है वो इजीली यहाँ पे पार्क हो जाती है। वो देखें यहाँ पर वॉश भी आप कर सकते हैं, अगर आप बाइक या कार वॉश करना चाहें उसके लिए यहाँ पर नलका लगाया गया। ये कार्टून है और ये इलेक्ट्रिक फिल्टर सिस्टम, वो ये आप मोड देख सकते हैं। ये यूपीएस वायरिंग के लिए रखा गया है। अगर लाइट से आप यूपीएस लगवाते हैं तो आपने जस्ट यहाँ पे इंस्टॉल करना है, बाकी वायरिंग टोटल घर की यूपीएस पे हुई है। बाकी हर रूम के बल्ब और फैन यूपीएस पे रखे गए हैं, आप उस हिसाब से यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी आपको वायरिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, वायरिंग ऑलरेडी यहाँ पे यूपीएस की करवा दी गई है। ये एक अच्छी ऑप्शन रखी गई है जो कि ओनर ने, बेसिकली ये जो घर है ओनर ने अपनी सुपरविजन में अपने लिए बनाया था अपनी ज़ात के लिए। बाद कुछ प्राइसिंग में कुछ प्रॉब्लम है जिस वजह से वो मसलन इसे सेल करना चाह रहे हैं। और बेसिकली जैसा ये काम घर में करवाया गया है ये अपनी ज़ात के लिए करवाया जाता है, सेल के लिए उनका ऐसा कोई माइंड नहीं था। बाकी मैं अगर आपको डोर का ये व्यू करवाऊँ तो ये हैवी गेज का डोर लगाया गया है, ये दे सकते हैं। और बाकी ये मेन जो डोर है ड्राइंग रूम का और मेन एंट्रेंस का जो डोर है ये हैवी वुडन का है, देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छे डोर है और वुडन डोर है, कोई इशू नहीं है। बाकी वो हर लिहाज से ये सेफ है। बाकी जो वाइल मेन से कार्टपोर्ट से ही ऊपर फर्स्ट फ्लोर की तरफ ये स्टेट जा रही है, रेलिंग लगी हुई है काफ़ी अच्छे डिज़ाइन की रेलिंग। बाकी ये इधर से भी ये इंटरेस्ट है और ड्राइंग रूम की, ड्राइंग रूम में देखना पूरा मॉडल लगे, ये ड्राइंग रूम का व्यू है, सीलिंग डिज़ाइन यहाँ पे भी फैन लगा हुआ है, ये भी साफ मिल रहा है। और ये देखें बॉर्डर पे भी पूरा मॉडल लगाया गया, पूरा मॉडल का ये बॉर्डर है और ये विंडो है जो कि वेंटिलेशन के लिए रखी गई है बाय आउटसाइड गली में। ये मोटिव तो
डिज़ाइन देखे हैं, बाकी ये डोर का डिज़ाइन देखे तो ये मेन एंट्रेंस है जो कि हॉल में है, ये हॉल का भी है, ये फ्लोर का भी वर्क है। ये जो कि अगर टी वी लॉन्च और डाइनिंग भी यूज होता है, ये सीलिंग डिज़ाइन है देख सकते हैं। और ये देखिए ये स्पेस रखी गई है वेंटिलेशन के लिए मिडल में, और ऊपर से कवर्ड है, फाइबर शीट लगी हुई है। और बाकी ये मोटिव है, काफ़ी अच्छे डिज़ाइन का लगा हुआ है। और इसके साथ ये देखें अटैच है हॉल के साथ, ये बहुत बहुत टाइल डिज़ाइन देखें। और बाकी तमाम एक्सेसरीज यहाँ पे भी इंस्टॉल है। और ये देखिए फाइबर का जो डोर है वो लगाया गया है बाथ में, ताकि पानी से ये सेफ़ रहे, क्योंकि फाइबर वाटर प्रूफ होता है, पानी गैस से कोई इशू नहीं होता, सेफ है ये। और ये भी डोर देखें तो ये भी फाइबर का ही लगाया गया है। और बाकी ये भी बात करें ओपन किचन में रखा गया है, और कंप्लीट किचन फाइबर का बनाया गया है। ये देखें विंडो रखी गई है जो कि कॉटोज में एज अ एग्जॉस्ट के लिए, और बाकी ये देखें कंप्लीट किचन फाइबर का बनाया गया है, टोटली से पानी से कोई से इशू नहीं है। और बाकी ये टाइल बॉर्डर पे लगाई गई है किचन में, माशाल्लाह बहुत प्यारा किचन बनाया गया है, डिज़ाइन अच्छा किया गया किचन को। और बाकी ये डोर का जो कि हॉल में लगाया गया, तो मैं रूम का व्यू करवाता हूँ। तो ये रूम है, तो मैं यहाँ से व्यू करवाऊँ तो दो बेडरूम है, एक ड्राइंग रूम, दो बाथ, किचन ग्राउंड फ्लोर पे है। मैं वन बाय वन दोनों रूम का और बाथ का आपको व्यू करवाता हूँ। तो एक रूम ये है, सीलिंग डिज़ाइन तमाम एक्सेसरीज इंस्टॉल्ड है। और नीचे फ्लोर का व्यू करें तो मार्बल का इस्तेमाल हुआ है, और ये डोर का व्यू है। यहाँ पे भी बोलो एक ये रूम है, इस बेडरूम में भी सेम ग्रे मार्बल ही यूज़ होगा, सनी ग्रे है ये। और ये देखें सीलिंग डिज़ाइन है, और ये डोर का डिज़ाइन है। तो इसके साथ बाथ भी अटैच है, ये बाथ है, हाँ सिंपल सीट है यहाँ पे, हाँ बेसन। और जो दूसरे बाथ है उसमें बोन लगी हुई है। और बाकी ये देखिए फाइबर का डोर लगाया गया है इस बाथ को भी, वाटर प्रूफ, और ये टाइल का डिज़ाइन है, ये रूम है। काफ़ी अच्छे साइज़ के बेडरूम रखे हुए हैं, छोटी नहीं है, अच्छा साइज़ है। जो इसकी मीयर मैं इन शाला आपको बता दूंगा वीडियो में या डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो ये एक बार मोबाइल से व्यू कर लें, और ये टीवी लॉन्च है। तो चलिए मैं आपको फर्स्ट फ्लोर पे लेकर चलता हूँ। तो स्टील और रेलिंग का भी यूज़ होगा यहाँ पे, देख सकते हैं आप। ये फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पे ये हॉल रखा गया काफ़ी बड़ा, यहाँ पे भी नीचे देखें अटारी का यूज़ हो रहा है। और ये सीलिंग डिज़ाइन यहाँ पे भी फैन लगाया गया, और एक ये बेडरूम है, इस बेडरूम में भी सेम डिज़ाइन की टाइल लगाई गई है जो हॉल में है। और ये विंडो रखी गई है वेंटिलेशन के लिए जो कि बाय ओपन गैलरी।
इसके साथ बहुत अटैच है, मैं बहुत का भी व्यू आउट से बहुत देखता हूँ। ये बहुत है, यहाँ पे भी सिंपल सी डिज़ाइन दी है, टाइल का डिज़ाइन देखिए, अच्छा डिज़ाइन है। और ये सामने एग्जॉस्ट के लिए स्पेस छोड़ी गई है, बाकी ये कर सकते हैं। और यहाँ पे भी ये देखिए फॉरवर्ड का डोर लगाया गया है, वाटर प्रूफ है ये, और बाकी ये रोम का व्यू। चलिए मैं आपको गैलरी से व्यू करवाता हूँ, आउट साइड का गैलरी से आउट साइड का भी व्यू करवा देता हूँ आपको। ये ओपन गैलरी छोड़ी गई है यहाँ से, और बाकी आप रोम में करवा के देख सकते हैं यहाँ पे मुकम्मल लगा दिया। और रोड की ये बिल्कुल नज़दीक है, क्योंकि रफ़ी पब्लिक स्कूल के बिल्कुल बैक साइड पे आता है, और अराउंड में ये देखकर मुकम्मल आबाद भी है यहाँ पर। एक अच्छी ऑप्शन है, और सड़क भी बहुत अच्छा बनाया गया है। जो ओनर है, ओनर की ये सुपरविजन में घर बना है, और आप देख सकते हैं। और लोकेशन भी इसकी बहुत अच्छी है, प्राइम लोकेशन है। और ये आउटसाइड है, आउटसाइड टेरेस छोड़ा गया बैक साइड पे, ये कवर्ड भी हो सकता है, डिपेंड करता है जो इसे परचेज करते हैं वो अपने हिसाब से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी करवा सकते हैं। बाकी ये आउटसाइड यहाँ देख सकते हैं, और ये मस्जिद देख सकते हैं जो कि मेन करीमपुर रोड के ऊपर है, और इसके साथ ही गली आती है जो कि इस घर की तरफ है। और बाकी ये अराउंड में देख सकते हैं, ये मिडल में आता है, अराउंड में दोनों साइड से ये कवर्ड है। और यहाँ पे मुकम्मल व्यू सकते हैं, और ये देखें ये स्पेस जो छोड़ी गई है वेंटिलेशन के लिए, उसे ऊपर से कवर्ड किया फाइबर शीट से, ताकि पानी और डस्ट से ये सेफ रहे। बाकी मैंने आपको घर का एक मुकम्मल व्यू करवा दिया, आपने घर देख लिया, बहुत ही अच्छा घर बना है, कंस्ट्रक्शन माशाल्लाह बहुत अच्छी हुई है, ओनर ने खुद अपने सुपरविजन में ये कंस्ट्रक्शन करवाई है। मुकम्मल मैंने आपको व्यू करवा दिया, तो मैं बताता चलूँ तो टोटल 3 बेडरूम हैं, 1 ड्राइंग रूम है, और 3 बाथ हैं, किचन, टीवी लॉन्च, कार पोच इस घर में है। एक अच्छा सेट है, एक अच्छी ऑप्शन रखी गई है स्मॉल फैमिली के लिए, और बड़ी फैमिली के लिए भी यहाँ पे इजीली रेजिडेंट आ सकते हैं। तो आई होप को ये घर पसंद आया होगा। तो इस घर की डिमांड की तरफ जाएँ, तो जो ओनर है, ओनर इसकी डिमांड करते हैं 57 लाख इस घर की डिमांड है। बाकी ये ऑन द स्पॉट बैठ के रीज़नेबल हो जाता है। जो इंटरेस्टेड हजरात है वो रब्ता कर सकते हैं, नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और स्क्रीन पे भी आ रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।